बहुत बहुत कामनाएं। आज का दिन विशेष है, आपका आरती भी लॉन्च हुई आज आपकी। जी, आरती भी लॉन्च हो चुकी है। और अचानक भूषण जी ने सोचा कि मैं एक आरती भी गाऊं, क्योंकि पिक्चर में भी आरती गा रहा हूं। और अचानक हुआ, और बहुत मुझे लगता है कि गणपति जी की ब्लेसिंग्स मेरे पे है कि मैं मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं आरती गाऊं। बाबा, किस तरीके का माहौल था जब आप इस गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, थोड़ा बताएं। बहुत नर्वस था, आप लोग तो सब थे वहाँ पे भाई, तो लेकिन गणेश जी की ब्लेसिंग्स की वजह से सब अच्छा। वास्तव में भी गणपति आरती थी इस फिल्म में भी, गणपति आरती बहुत लंबी जर्नी है, किस तरीके से देखते हैं, और बप्पा का क्या योगदान रहा? बप्पा का योगदान तो बहुत है, बप्पा का आशीर्वाद सबके साथ है मेरे हिसाब से। और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और ये कहता हूँ कि सबका सबकी जीवन एकदम सफल रहे और शांत रहे। कोई विशेष मनोकामना आपकी, कोई विशेष मनोकामना जो आप चाहते हो इस वर्ष? भैया, मैं शांति चाहता हूँ अभी जिंदगी में। अच्छा, आप अपने घर पे भी गणपति लाए हैं जी, उसके अभी कोई उत्सव या कोई मतलब रखेंगे उसके लिए भी, कोई समारोह या कोई उत्सव? नहीं, मेरी वाइफ गणपति बप्पा को अभी 3-4 सालों से ला रही हैं, जब से मैं जेल में था, तो ये सिलसिला चलता रहेगा और बप्पा हमेशा आते रहेंगे। कोई विशेष आप? आई जस्ट विश दैट हार्ड वर्क पेज ऑफ इन भूमि, वी वर्क वेरी हार्ड इन भूमि। आई जस्ट विश दैट भूषण एंड आर रिलेशनशिप लास्ट फॉर एवर एंड विद टी सीरीज, and I pray and I wish everybody a very very happy Ganesh Chaturthi, and may everybody get the success and love and blessings. Baba, जो लोग आपकी फिल्म के बारे में नहीं जानते और अभी ये इंटरव्यू देख रहे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे, आपकी फिल्म के बारे में क्या बताएंगे, कब रिलीज हो रही है ये फिल्म? एक बाप बेटी की कहानी है, और एक ही चीज़ कहता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बस वही एक ये पिक्चर। आरती के दो बोल आपके बोल सकते हैं? अरे भैया, वो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति, गणपति।